नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इजी लर्निंग इंडिया। इजी लर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन BA एंड BA ऑनर्स। देखिए BA और BA ऑनर्स में क्या डिफरेंस होता है, ये आज की वीडियो में हम जानेंगे। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में क्या डिफरेंस होता है, बीए बी ऑनर्स में, बीएससी ऑनर्स में एंड एसेट्रा। सो मेजरली मैंने आपको तीन टाइप की ग्रेजुएशन डिग्रीज बताई हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि एक जर्नल ग्रेजुएशन डिग्री एक ऑनर्स ग्रेजुएशन डिग्री में क्या फर्क होता है। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे। तो चाहे वो बीए हो, बीकॉम हो या फिर बीएससी हो, हम उनके स्पेशलाइजेशन और जर्नल दोनों के डिफरेंस के बारे में जानेंगे। सो वन बाय वन हम एक एक करके डिफरेंस देखेंगे दोनों के अंदर। सो मैं सबसे पहले आपको बीए के बारे में बताऊंगा, फिर बीए ऑनर्स के बारे में बताऊंगा, या फिर सबसे पहले मैं आपको बीकॉम के बारे में बताऊंगा या बीकॉम ऑनर्स के बारे में। तो मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि बीए या फिर जर्नल जो डिग्री होती है उसके बारे में पहले बताऊंगा, और स्पेशलाइजेशन जो डिग्री होती है उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। सो हम डिफरेंट पैरामीटर्स में देखेंगे। पहला पैरामीटर है कि मतलब क्या होता है। देखिए बीए, बीएससी या बीकॉम, अगर आप ये कोर्स करते हैं, ये 3 साल का कोर्स होता है, जो ड्यूरेशन है वो 3 इयर्स की है, और इसमें एक्चुअली आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। जैसे अगर आप बीए कर रहे हो तो आपको बीए जर्नल, अगर आप कर रहे हो तो आपको ज्योग्राफी भी पढ़ाई जाएगी, हिस्ट्री भी पढ़ाई जाएगी, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाई जाएगी आपको। सो इसमें मोटा मोटी आपको सब कुछ पढ़ाया जाता है। ऐसे अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो आपको अकाउंटेंसी भी पढ़ाई जाएगी, आपको इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी, कई बार आपको हिंदी भी पढ़ा देते हैं कई यूनिवर्सिटीज में, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा देते हैं। सो आपको हर टाइप की चीजें पढ़ाई जाती है अगर आप जर्नल बीकॉम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बीकॉम पास। और अगर हम बीएससी कर रहे हैं, जैसे नॉर्मल बीएससी कर रहे हैं, सो जिसे हम बीएससी नॉर्मल बोलते हैं या लेमैन में बीएससी बोलते हैं, अगर आप बीएससी करें तो आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और आपको बायोलॉजी एंड मैथ्स साथ में पढ़ाई जाती है। अब है कि ऑनर्स की पढ़ाई कैसी होती है। देखिए ऑनर्स की पढ़ाई में, चाहे आप बी ऑनर्स कर रहे हो, बी कॉम ऑनर्स कर रहे हो या बी एस सी ऑनर्स कर रहे हो, इसमें आपको एक सिंगल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहे हो तो आपको पॉलिटिकल साइंस के बारे में पता जाएगा। अगर आप बी ए ज्योग्राफी ऑनर्स कर रहे हो तो ज्योग्राफी के बारे में पता जाएगा, उसमें हिस्ट्री का कोई मतलब नहीं होगा। ऐसे ही अगर आप बी एस सी फिजिक्स कर रहे हैं तो आपको फिजिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा सारा, लाइट, ग्रेविटी, मोशन एसेट्रा। अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स, तो आपको केमिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ऐसे अगर आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं तो आपको कोर बीकॉम जो है वो बताया जाएगी, जो अकाउंटेंसी के में काम आती है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम आती है, इस टाइप से आपको ऑनर्स में बताया जाएगा। ड्यूरेशन मैं आपको पहले बता दूं, दोनों 3-3 साल की ड्यूरेशन होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीए के लिए, जो नॉर्मल बीए, बीएससी या फिर बीकॉम के लिए, आप 12वीं पास होने चाहिए फ्रॉम एनी स्ट्रीम, आप किसी भी स्ट्रीम से पास आउट होने चाहिए बेसिकली। अगर आपको कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो बीकॉम के अंदर और बीएससी के अंदर, अगर आपने 12वीं में बीए, अगर बीएससी की है, अगर 12वीं में आपने साइंस ली है तभी आप बीएससी कर पाते हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज जनरल कैटेगरी में, मतलब आपने कुछ भी किया है क्लास 12th में एनी सब्जेक्ट तो ले लेते हैं बीए, तो जनरल बीए, तो अगर आपने कुछ भी, अगर आपने ह्यूमैनिटीज ली है क्लास 12th में, कॉमर्स ली है या साइंस ली है, आपने अगर कोई भी सब्जेक्ट इनमें से लिया है तो आप जनरल बीए कर सकते हो। तो बीए के लिए इतना तो होता ही नहीं है। देन अब है ऑनर्स के लिए। ऑनर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप जिस सब्जेक्ट का ऑनर्स कर रहे हैं, अगर आप ज्योग्राफी कर रहे हैं तो आपके पास क्लास 12th में ज्योग्राफी होनी चाहिए, अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं तो हिस्ट्री होनी चाहिए, अगर आप फिजिक्स कर रहे हैं तो क्लास 12th में फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हैं तो फिजिक्स होनी चाहिए, अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं तो केमिस्ट्री होनी चाहिए क्लास 12th में। तो ये एक क्राइटेरिया है। स्पेशलाइजेशन जर्नल, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, नो स्पेशलाइजेशन, कोई स्पेशलाइजेशन ऑफर नहीं की जाती आपको। अगर आप ऑनर्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें स्पेशलाइजेशन, आप किसी फील्ड में स्पेशलिस्ट बनते हैं, आप उस फील्ड के महारथी बनते हैं, फिर आगे आप उसी फील्ड में एमकॉम करते हैं या आप एमए करते हैं या एमएससी करते हैं उसी फील्ड के अंदर, फिर आपको दिक्कत नहीं आती कि आपको किस फील्ड के अंदर एमएससी करना है या एमकॉम करना है। लेकिन अगर आप जर्नल से करते तो आपको दिक्कत ये आती है कि आप स्पेशलाइजेशन चुन नहीं पाते एमए के अंदर, या बीएससी करने के बाद एमएससी चुनने में दिक्कत आती है कि आप कौन सी फील्ड में एमएससी करना चाहते हैं, और फिर आगे और दिक्कत आती है कि आप किस फील्ड में पीएचडी करना चाहोगे, किस डोमेन में आप पीएचडी की डिग्री हासिल करना चाहोगे। तो पूरी जो दिक्कत है वो ग्रेजुएशन से स्टार्ट हो जाती है। तो आपको ग्रेजुएशन अपना माइंड बनाना है कि आपको आगे करना क्या है।
एडमिशन प्रोसेस देखा जाए तो आपको जनरली मेरिट बेस और एंट्रेंस बेस दोनों में से एडमिशन मिलता है, किसके अंदर? बीए ऑनर्स के अंदर। और बीए के अंदर ज्यादातर आपके क्लास 12th के जो मार्क्स होते हैं, जो जनरल बीए होती है, उसी के बेसिस पे आपका हो जाता है। तो बीए जो जनरल होती है उसके अंदर आपके क्लास 12th के अंदर कितने मार्क्स हैं, एंट्रेंस एग्जाम बहुत कम होते हैं जनरल बीए या जनरल बीकॉम के लिए, क्लास 12th के मार्क्स यही होते हैं। लेकिन अगर ऑनर्स हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज मेरिट बेस पे करती हैं, बहुत हाई परसेंटेज चाहिए होती है, 90% से ऊपर, और कुछ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम देती है अगर आपको ऑनर्स की पढ़ाई करनी है, चाहे बीए ऑनर्स हो, बीकॉम ऑनर्स हो या फिर बीएससी ऑनर्स हो। देखिए बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि आप बीए अगर जनरल करते हो, बीएससी जनरल करते हो या फिर बीकॉम पास करते हो तो आप किसी भी फील्ड में स्पेशलिस्ट नहीं बन पाते, तो कोई बेनिफिट नहीं होता। इसका मैं बस एक बेनिफिट होता है कि आपको आपके नाम के आगे थप्पा लग जाता है कि आप ग्रेजुएट हैं, तो आप ग्रेजुएशन के बेस पे जो गवर्नमेंट के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो सीजीएल हो या यूपीएससी हो, आप उनमें बैठ सकते हो। उसके अलावा इसका कोई भी बेनिफिट नहीं होता लाइफ। और ऑनर्स की पढ़ाई का बेनिफिट ये होता है कि आप स्पेशलिस्ट बनते हो किसी फील्ड में, उस फील्ड के महारथी बनते हो और उस फील्ड को आप आगे चल के कॉन्कर करते हो, बहुत आगे प्रोग्रेस करते हो उस फील्ड के अंदर को, बिकॉज आपके पास एक स्किल हो गई और आप एक एक्सपर्टी हासिल कर सकते हैं उस फील्ड के अंदर। तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप बीए ऑनर्स कीजिए या फिर बीकॉम ऑनर्स कीजिए या फिर बीएससी ऑनर्स कीजिए, बिकॉज आपके नाम के आगे ग्रेजुएशन तो लग ही चुकी है, आप ग्रेजुएट तो हो चुके हो, तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दे सकते हो, गवर्नमेंट के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, सीजीएल, यूपीएससी, रेलवे एक्सेट्रा, और आपके पास एक स्किल या स्पेशलिस्ट भी हो आप, तो इसमें दो तरीके से आपका बेनिफिट होता है। तो ये आपको मैंने आज डिफरेंस बताया है एक जनरल ग्रेजुएशन में, एक ऑनर्स की ग्रेजुएशन में। अगर आपको कक्षा 11वीं 12वीं या 12वीं के बाद करियर से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, मेरिट बेस्ड एडमिशन से रिलेटेड, कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज डू विजिट आवर वेबसाइट easylearningindia.com। easylearningindia.com पर आप जैसे बच्चों के लिए बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, बहुत सारे ब्लॉग्स अवेलेबल हैं, बुक्स, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं कक्षा 12वीं के बाद, तो बहुत सारी टेस्ट सीरीज हैं, और आप एक अच्छा करियर बना पाएंगे अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाके इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे तो। सो प्लीज डू विजिट आवर वेबसाइट। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट दी बेल आइकन जरूर हिट कीजिए फॉर ऑल दी लेटेस्ट नोटिफिकेशन। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है करियर से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड, कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड, प्लीज कमेंट डाउन बिलो और कमेंट कीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। हम जरूर कोशिश करेंगे उस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।